बस 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 ओहो हो बस आराम से हट हट आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले आप सबको चांद रात मुबारक। लाइट भी चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज है चांद रात, स्पेशल चांद रात को शॉपिंग की जाती है। तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, हम एक दिन पहले ही शॉपिंग कर आए हुए हैं सारे बच्चे सब कुछ। मेरे साथ हैं सकलैन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सकलैन भाई जो है ना जैन भाई के फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे। और जैन भाई ने कहा कि मेरे भाई मुदस्सर भाई जो हैं बहुत मासूम से अच्छे से, तो ये घर पे अकेले है तो कोई काम शाम हो तो यार उसकी हेल्प कर दिया करो। तो अभी सकलैन भाई ज़्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड करते हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लेके आए हैं जी मिरिंडा और कोक। और अभी जू में जाना है क्योंकि हमारा जो है ना स्नो वाइट बहुत बीमार है। 11 हो गए टाइम। चांद रात को तो शहरों में तो कोई सोता ही नहीं है, गांव में हमारी फैमिली सब सो गए हैं। हम भी इंशाल्लाह जल्दी सो जाएंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, बहुत सारे काम करने हैं, आपको तो पता है। मैं अकेला हूँ और सकलैन भाई सुबह अपनी कुर्बानी में मसरूफ होंगे। देखते हैं सुबह इंशाल्लाह होता है क्या। फिलहाल हम चलते हैं जू में। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम जू में पहुंच चुके हैं और हमारे ये मिनी स्टार जो है ना सारे यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन हमारा स्नो वाइट नहीं है। स्नो वाइट को हमने रखा है कैट हाउस में। कैट हाउस ओ मिल गया। स्नो वाइट बेबी कैसे हो? ऐसे ही रहता है यार, ये बहुत परेशानी है। हाँ जी हम आ गए हैं। एक तो इसके सारे बहन भाई जितने भी थे मार्शल ने मार दिए, कुछ ऐसे किसी बीमारी से कुछ हो गया। अब जब से बारिश हुई है ना तो मेरे ख्याल से ये पिंजरे के नीचे था, और पिंजरा जो है ना मतलब छुपा हुआ था, दिन को छुप के ही रहता है। पिंजरा जो है वो बाहर पड़ा हुआ था, तो इसके ऊपर बारिश मतलब ये भीग गया हुआ है मुझे ये लगता है। तो इस वजह से तब से ये बड़ा सुस्त है। ऐसे नीचे पड़ा हुआ था, ऐसे पड़ा हुआ था। अभी देखा ऐसे रखा तो ऐसे ही है। अरे स्नो वाइट ऐसे ना करो यार बेबी, सुबह ईद है, ठीक हो जाओ जल्दी जल्दी। अब क्या हो सकता है, इसको मैंने कैट हाउस में रखा तो वहाँ से ये भाग के बाहर आ गया होगा। वहाँ पे भी नहीं टिकता, बाहर भी नहीं टिकता। फिर मैंने इसको चारा दिया, इसको दाने दिए हैं, मतलब कुछ खाए लेकिन ये कुछ भी नहीं खाता, ऐसे ही है। स्नो वाइट पानी रख दिया, घास रख दी और कुछ दाने रख दिए। अभी स्नो वाइट यहाँ पे आराम करेगा और जब तक सुबह होती है आप ये वीडियो देख लें जिसमें हमारा स्नो वाइट जो है ना वो बड़े मज़े से घास खाना शुरू हो गया हुआ था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह स्नो वाइट जो है घास खाना शुरू हो गया, यानी ये ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये घास खा रहा है माशाल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी जल्दी से जू में जाते हैं और वहाँ पे जाके दाना पानी जो है वो डाल के आते हैं परिंदों को जानवरों को, और फिर अपना शहजादा जो है अपना बैल जो है उसको लेके आते हैं और सेहन में बांधते हैं और फिर ईद की नमाज की तैयारी करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी बैलेंस जो है वो हमने काफ़ी हद तक बेहतर कर लिया हुआ है अपने जू का, और यहाँ पे सेवरेज का पाइप भी लगा दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाया है। मैं चाह रहा था कि वहाँ से या कहीं इस दीवार से सुराख हो अपने खेत में पानी चला जाया करे, फिर ये सारी मिट्टी जो है ना ये ऊंची थी यहाँ की नस्बत, तो मैंने क्या किया पाइप तो ऑलरेडी मैं लेके आया हुआ था तो पाइप मैंने वहाँ से डाला है, यहाँ पे सुराख रखा है। बारिश जितनी भी होगी ना तो पानी शहर में इकट्ठा होगा, दरमियान वाली साइड में यहाँ पे पानी बाहर चला जाया करेगा इंशाल्लाह। तो फिलहाल हम पानी लेके आते हैं परिंदों के लिए और सबका पानी चेंज करते हैं इंशाल्लाह। दो बाल्टियाँ मैंने वो वहाँ पर रख दी हुई हैं, जाके नल से पानी भरते हैं इंशाल्लाह। ये तितरी गैंग जो है ना ये बहुत तेज़ है, जितने भी दाने हैं इसको देखा बिखेर देती हैं जितने भी दाने। पहले ये जो डिबिया थी ना ये नीचे लगाई हुई थी, मैंने अब ऊपर कर दिया, लेकिन ऊपर चढ़ चढ़ के इन्हों का सबसे बड़ा मिशन यही है कि इन्होंने दाने नीचे बिखेरने ही बिखेरने हैं। पानी सबका हो गया है, अब है दानों की बारी, तो दाने भी सबको डाल देंगे इंशाल्लाह। वो तो ऑलरेडी डले हुए हैं कल के ही, जरूरत नहीं है अब कबूतर है, कबूतरों के पास भी दाने हैं, ये भी मौज करें। और जो अब घूम फिर रहे हैं ये वाले परिंदे, इनका पानी मैंने चेंज किया था लेकिन बतखों ने फिर से ख़राब कर दिया, बहुत बुरी बात। इन्हें भी दाने जो है वो ये डाल देंगे बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी सबसे आखिरी काम बचा है ना वो है
हमारे मार्शल की फ्रॉक। ओए पीछे 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 इसमें जी फ्रेंकी हो गई, परिंदे हो गए, जानवर हो गए और मार्शल भी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हुआ तमाम। अब चलते हैं हम अपने शहजादे के पास इंशाल्लाह। ईद की नमाज का टाइम जो है वो हमारे गांव में 7 बजे है, 7 बजे ईद की नमाज होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच चुके हैं अपने बैल के पास, अपने शहजादे के पास। तो हार जो है वो कल ही उतार लिए थे क्योंकि वो गंदे हो जाने थे, खराब हो जाने थे। अभी दोबारा से पहनाते हैं और फिर लेके जाते हैं घर इंशाल्लाह। हमने टेंशन कर दिया है शहजादे को, तो आ जाओ। अब बड़ी बहादुरी के साथ आ रहा है क्योंकि सारे बैल जो है ना बिक चुके हैं, यहाँ से रौनक ख़त्म हो चुकी है, बस एक ही बैल यहाँ बाकी है वो कमर भाई लोगों का। तो अभी जी हम जा रहे हैं। आजा आजा शहजादे, आजा आजा। ऊपर बादल छाए हुए हैं लेकिन हबस बहुत हो रही है। पानी डाँ, पानी पिलाने वाला है, हमें नहीं पता था। तो भाई आए हैं, उन्होंने कहा कि पानी पिला लें पहले। माशाल्लाह जी शहजादा पानी पीना शुरू हो गया। यहाँ से पी रहा था, मज़ा नहीं आया, वो ताज़ा पानी पी रहा है माशाल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। अच्छा ठीक है भाई जी, ठीक है। जैसे तोड़ गया अल्हम्दुलिल्लाह जी, गांव की गलियों में से होते हुए हम जा रहे हैं घर की तरफ। और हमारा बैल, हमारा शहजादा जो है बड़े आराम से और बड़ी मोहब्बत के साथ जा रहा है और बड़ी स्पीड के साथ जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आए माशाल्लाह, आ जा आ जा शहजादे आ जा। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम घर पहुंच चुके हैं। आ जाओ आ जाओ, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। आ जा आ जा आ जा आ जा, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। देखो आपके लिए बगीचा सजा के रखा हुआ, बड़ी बड़ी घास है, घूम रहा फिर रहा है माशाल्लाह। ये आपका घर है। हाँ जी मेरे ऊपर ना चढ़ दौड़ो। आराम से पहुंच गए हम। हाँ जी सारे घर घूम लो। ओ तेरी खैर, ओ खैना नहीं इधरा। बस 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 बस, ओहो हो बस, आराम से हट हट आराम से। जोश में नहीं आना। सुनाए क्या है? हाँ हार, ऊपर वाला हार उतर गया। अल्हम्दुलिल्लाह बांध दिया है, अब पौधे की खैर हो सही। अरे यार तहस नहस कर देगा ये। चाहिए था यहाँ पे कोई लकड़ी ठोक के ना उसके साथ बांधते। अल्हम्दुलिल्लाह जिस शहजादे को वहाँ पे लकड़ी ठोक के मैंने बांध दिया। अब मौज करो, अब नमाज का टाइम भी होने वाला है। 11-15 मिनट 10-15 मिनट रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह जी चलो चलो चलो, बाइक पे नहीं टाइम ऐसे ही चलते हैं। ये तो मिल के आने फिर पूरा गांव घूम के आना है। ऊपर बादल पहले छाए हुए थे तो हबस हबस थी, अब जो बादल छाए हैं ना तो ठंडी ठंडी हवा चलने शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है ऐसे ही है कि जैसे कहीं पे बारिश हो रही हो, और जैसे मौसम ब्लैक ब्लैक बादल छाए हैं ना तो यकीनन इधर भी बारिश होगी होगी। बारिश आ चुकी है और हम थोड़ा लेट हैं तो अंदर जो है ना फुल हो चुकी है मस्जिद। खैर जब जमात होगी ना तब जगह मुमकिन है मिले, फिलहाल हम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। और बारिश तेज़ हो गई है। लाल इधर आता है, तुम बारिश ईद बारिश ईद मुबारक। हाँ जी ये मुबारक।
नहीं 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 घर पर घर अल्हम्दुलिल्लाह जी बारिश जो है वो शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो है ना जिस रास्ते से नमाज पढ़ने आते हैं जाना दूसरे रास्ते से होता है, तो अब हम दूसरे रास्ते से घर जाएंगे इंशाल्लाह। और रास्ता तब्दील करने से ये भी होता है कि आपने जिससे ईद नहीं मिली हुई उससे आप मिल लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक भाई। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हाँ लेकिन आप तो फिर भी जो है हाँ जी बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना, ये मेरा बाजू भीग गया। जल्दी घर पहुँचते हैं। ओए ये कितना सारा पानी है। हाँ बहुत ज़्यादा उधर तो भर के। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ईद मुबारक। ऊपर से ईद मुबारक। कमर भाई मिल गए जी इत्तफाक से। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक कमर भाई। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो पता चला मिले आप चलो पता फोन करके तो पूछ ही लंदा बंदे पहले होए ना कि नहीं। नहीं मुन्नू पता लगदा रिया लगदा रिया बंदे पहले मैं की फोन करना काम का ही लेन फिर हुन बस हुन कपड़े शपड़े बदल लिए कुछ थोड़ी खा ये जाते खाने पे इत्थे खा लो कोई मसला नहीं। हां जी सर चार रातें में सुते थे तो थोड़े सो गया एक कहने तोता सो लिया ना। आ जाओ फिर आ जाओ आ जाओ फिर का पूछ असल काम हुन शुरू होने लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें कैसे हो ईद मुबारक मिल जान है? ज्यादा ईद मुबारक बड़ी ईद मुबारक। माशाल्लाह जी फुल तैयारी हो चुकी है रास्ते क्लियर किए जा रहे हैं। बैठे दे रस्सा पाओ पहला रस्सा तैयार नहीं था तो फिर हमने बैल जो है ना पीछे बांध दिया अपना शहजादा, फिर अब रस्सा रेडी किया फिर बैल आ गया हमारा सामने तो अभी इसको बांधा जाएगा। लीजिए जी बैल को जो है वो लटा लिया। अब बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त के लिए हमने यहाँ पे ग्रीन वही जो शेड हम वहाँ पे डालते हैं ना वो बचा हुआ था मतलब जू में वो बचा हुआ था तो यहाँ पे बिछा लिया। इस पे गोश्त किया जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुर्बानी का बैल जो है हमारा शहजादा जो है वो ज़िबा हो चुका है। अल्लाह ताला हमारी ये कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। तो तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। तो बस जी आज की वीडियो बस यही थी, आगे का काम बहुत लंबा हो जाना तो इंशाल्लाह वो फिर आगे बढ़ेगा तो अगली वीडियो में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।